I am Shalu. I am a tarot reader and an astrologer. Welcome to my channel. If you are new here, then do subscribe to my channel for new videos every week. आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कमिंग मंथ का राशिफल, यानी कि सितंबर मंथ का राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके जोडियक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका जोडियक साइन नहीं पता है तो सभी जोडिक साइंस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से अपना जोडिक साइन चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्गोस के लिए अगर हम सितंबर के जनरल ओवरव्यू की बात करें तो आपके लिए कार्ड है स्ट्रेंथ। तो एक ठीक ठाक सा महीना रहेगा सितंबर आपके लिए। यू विल हैव ग्रेट इनर स्ट्रेंथ, अपने पे भरोसा रखेंगे आप, काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे। यू विल मेक थिंग्स वर्क फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ योर स्ट्रेंथ। किसी भी तरह की हार्श जजमेंट्स मत रखिए। रिलीज एनी हार्श जजमेंट्स और एनी हार्श ओपिनियंस इफ यू हैव। फॉरगिवनेस और कंपैशन से काम लीजिए, दैट विल बी फॉर योर बेटरमेंट। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड है एस ऑफ वाटर। तो किसी तरह की नई बिगिनिंग हो सकती है, कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया काम, कोई नया जॉब या कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ऐसा काम जिसको लेकर आप काफी पैशनेट हैं, कोई ऐसा प्रोजेक्ट जिसको लेकर आप काफी एंथुजियास्टिक हैं। तो बहुत ही एंथुजियास्टिकली काम करेंगे, बहुत ही पैशनेटली काम करेंगे, बिकॉज यू आर वेरी इन्वेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। फाइनेंसेस की बात करें तो फाइनेंसेस के लिए कार्ड है थ्री ऑफ वाटर। तो फाइनेंशियली टाइम पीरियड काफी अच्छा रहेगा। अगर पुराने टाइम में कोई जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स की थी तो उसके काफी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। कोई नई जॉइंट इन्वेस्टमेंट्स या पार्टनरशिप में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। तो कुल मिला के एक प्रॉस्पेरिटी वाला, एक अबंडेंस वाला टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए सितंबर। पर्सनल लाइफ की बात करें तो पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड है द व्हील। अगेन अ वेरी हैप्पी टाइम पीरियड फॉर पर्सनल लाइफ। इट इज अ टाइम फॉर पॉजिटिव चेंज। तो किसी तरह का पॉजिटिव चेंज हो सकता है, किसी नए रोमांस की शुरुआत हो सकती है, या जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी वो खत्म होने को है और रिलेशनशिप पहले से बेटर हो जाएगी। तो फॉर्चून इज ऑन योर साइड। A very happy, harmonious, joyous time is indicated for you. आपके लिए गाइडेंस कार्ड है न्यू मून इन सेजिटेरियस और कार्ड का मैसेज है लक इज ऑन योर साइड। तो अगर पीछे कुछ चैलेंजेस चल रहे थे तो अब वो खत्म होने को है, लक इज ऑन योर साइड, सिचुएशन इंप्रूव होने को है। अगर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके लिए एंजल्स की तरफ से मैसेज है बिग हैप्पी चेंजेस। तो सितंबर का महीना आपके लिए कुछ चेंज लेकर आएगा, सम काइंड ऑफ अ बिग एंड हैप्पी चेंज। कोई पॉजिटिव चेंज आएगा आपकी लाइफ में, अब किसी भी स्फीयर में हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में, बट किसी तरह के चेंजेस आएंगे लाइफ में जो आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत बेटर रहेंगे। तो ये था सितंबर का आपका राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप इसे कितना रेजोनेट कर पाए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वॉन्ट टू सी मोर सच वीडियोज देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। एंटिल माई नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर।